so hi guys uh so monday so monday what can happen so you saw what happened on friday up down and at the end of the day it went up so uh monday i'll just tell you in english or hindi maybe okay Okay? So, tell you in english mein bata so monday the cpr i think uh, in nifty there's a narrow cpr you can see and there's uh, the engulfing cpr so engulfing cpr means a big breakout yeah big breakdown can happen in the market that's what the nifty with the CPR, kind of first logic is telling. And the uh, second logic if the candle is opening somewhere over here, if it doesn't break R1, it will go back to the CPR. And if the candle is opening somewhere over here, if it doesn't break previous day low line, it will go back to the CPR. So simple logic is a narrow, a trend can happen. That is what it's telling. And you can say that 21,800 is a resistance and 21,664 is a support. Technically, it's very neat and clean. सो कल का जो सीपीआर है वो है नैरो सीपीआर नैरो मीन ना चौड़ा ना पतला सीपीआर उसके बीच वाला जो सीपीआर है जो जरा थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा एक्सपांड होता है उसको बोलते हैं नैरो सीपीआर सो जो सीपीआर है वो है मध्यम सीपीआर सो मध्यम सीपीआर क्या बोलता है कि भैया जी कोई अच्छा मूवमेंट आएगा रोएगा नहीं ये पहली बात है दूसरी बात ये सीपीआर के अंदर सीपीआर है तो कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होने की संभावना है ये बोल रहा है हमारा निफ्टी बाबा सेकेंड लॉजिक ये है अगर पहला कैंडल यहां पे ओपन हुआ आर वन को ब्रेक नहीं किया वो सीपीआर चले जाएगा पहला कैंडल यहां पे ओपन हुआ उसने अगर प्रीवियस डे लो लाइन को ब्रेक नहीं किया वो सीपीआर चले जाएगा सो so, निफ्टी बोल रहा है कि कुछ अच्छा मोमेंट देगा ठीक है और सपोर्ट uh, वही है ट्वेंटी वन सिक्स सिक्सटी फोर एक सपोर्ट है नीचे की तरफ और जो ऊपर सपोर्ट लेगा वही रेजिस्टेंस है इक्कीस आठ सौ थर्टी सेवन याद रखना तो इस दोनों के बीच में खेलेगा

Previous day low line, a good moment can happen. Still, that time you can say that it will play between these two range. That's all. This is a range tomorrow's range. If the range is broken, then a good breakout or breakdown can happen. So if the first candle is opening over here, not break if it's not breaking R1, it will go back to the CPR. And if the first candle is opening over here, it doesn't breaks the previous day low line, it will go back to the CPR. So simple, basic logic, but it's a white CPR. So maybe 50 BN can make you cry. And if it's a good go, then yeah, no issue with any trade. That's all I can say. तो हिंदी में सिखाता हूं कल का जो सीपीआर बी एन में चौड़ा है चौड़ा मतलब ऐसे होने की संभावना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे लेकिन एनगल्पिंग सीपीआर है मतलब सीपीआर के अंदर सीपीआर है सो तो जब यह सिटुएशन होता है तो कोई बड़ा ब्रेकआउट रहेगा या कोई बड़ा ब्रेकडाउन होगा मार्केट में ये लॉजिक है ये बोल रहा है लेकिन वाइड है तो संभाल के रहो थोड़ा अगर पहला कैंडल यहाँ पे ओपन होता है तो अगर उसने आर वन को नहीं तोड़ा सीपीआर के अंदर चले जाएगा पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ उसने अगर प्रीवियस लो लाइन को नहीं तोड़ा

ऐसा ऐसा सो so, एक रेंज होगा एक रेंज बनेगा मेरे हिसाब से एक रेंज बनेगा ऊपर से नीचे आके या नीचे से ऊपर अगर रिवर्स होता है डायग्राम तो और रेंज बना के मेरे को तो लग रहा है ब्रेकआउट मारेगा लेकिन कल देखते हैं दो या तीन बजे क्या बोलता है मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट मार के ऊपर मारेगा ऐसा लग रहा है बट वही सो इसका नाम दूंगा कल के डायग्राम को डब्ल्यू स्क्वायर कल का है डब्ल्यू स्क्वायर Pattern. So technically, yeah, what I told Shanky. kali this is what I feel. So maybe up, up to down will be very slow. Then maybe if it pulls up at the end of the day, it will go for a good breakout. That's what my feeling says. So better, you know, like don't be a fool and understand this. This is just a concept which I am giving you that it can happen. So Shanky, and the Vishwasi mat Jail bar, apna kala arrow, yellow arrow. एंड इफ यू हा बल्बन डारो काफी लोग बल्बन डायरो बल्बन डारो हाई टाइम फ्रेम पे डालो अगर नहीं चल रहे मार्केट रो रहा है रो रहा है रो रहा है एक घंटे के टाइम फ्रेम पे पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे तीस मिनट के टाइम फ्रेम पे बल्बन डारो डालो और देखो बता देता पहले ही भैया जी जब तक बल को नहीं तोड़ेंगे ऊपर ही भागेंगे ठीक है सो ये है कल के लिए और येस डू कमेंट एंड लेट मी लो कि तीस पॉइंट अच्छा है या हंड्रेड पॉइंट अच्छा है ताकि जो नए बच्चे लोग वो भी समझे क्या और एज यूजल मेरा पहला प्यार पहला प्यार तो पागल हो गया अब मालूम नहीं कल वापस रिवर्सल पागल होता है कि नहीं क्योंकि उल्टा भी मारा उसने दैट्स ऑल फॉर द डेज बाय गाइस डू कमेंट एंड लेट मी नो इज दिस गुड और बैड व्हाट आर द प्रेडिक्शन आई डू बाय गाइस सी यू